हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफ विद पैशन। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कॉफ़ी बनाएंगे। डालगोना कॉफ़ी या क्वारंटाइन कॉफ़ी के नाम से आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नेस्कैफे वाला सैशे लिया है। एक टेबलस्पून कॉफ़ी, एक टेबलस्पून शक्कर और एक टेबलस्पून गर्म पानी की ज़रूरत है। तो क्या करना है, एक बर्तन में एक टेबलस्पून कॉफ़ी, एक टेबलस्पून शक्कर और एक टेबलस्पून गर्म पानी मिला के उसे अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक हैंड ब्लेंडर लिया है, उसकी सहायता से मैं इस कॉफ़ी को अभी अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। बट एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये हैंड ब्लेंडर से कॉफ़ी अच्छी तरह से नहीं फेंटी जाती है। और अगर ब्लेंडर नहीं है तो मिक्सर में आप इसको अगर ब्लेंड करना सोचते हैं तो मिक्सी में भी ये अच्छी तरह से बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, आप आगे देखिए। हमारे पास एक छोटा वाला जो विस्कर आता है उसकी सहायता से हम इसको अच्छी तरह से फेंट ले सकते हैं कॉफ़ी। ये देखिए, इस तरह से आप कॉफ़ी को अच्छे से मिक्स करके लेना है। 2 या 3 मिनट लगते हैं हार्डली, और एकदम आप देखेंगे जैसे जैसे हम कॉफ़ी को मिक्स कर रहे हैं वैसे वैसे कॉफ़ी का कलर जो है चेंज हो रहा है। कॉफ़ी की कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थोड़ी ठीक होती जा रही है। हमें इसको इतना फेंटना है कि ये जो कॉफ़ी का जो घोल है ये पूरी तरह से एक फोम में बदल जाना चाहिए, एक पूरी तरह से उसका एक फोम टेक्सचर बनना चाहिए। तब तक आपको इसको फेंटते रहना है। आप देख सकते हैं इसको मैंने इतना फेंटा है कि उसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो देखिए आप, फेंटते फेंटते इसको ऐसे ये बिल्कुल क्रीम के जैसा बन गया है। देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हुआ है ये। और ये तभी होता है, आपका सामान सब कुछ इक्वल क्वांटिटी में रहता है। अब क्या करना है, हमें एक ग्लास में हमें ठंडा दूध लेना है। दूध अगर ठंडा नहीं है तो आप 2-3 आइस क्यूब भी दूध में डाल सकते हैं। और इस तरह से ये कॉफ़ी जो है दूध में हमें डालना है। ये कॉफ़ी ऊपर फ्लोट करनी चाहिए दूध के ऊपर, तो आपकी एकदम परफेक्ट कॉफ़ी बनी है। ऐसे इस तरह से ना उसके ऊपर फ्लोट करना चाहिए, और आप ऊपर से चोको चिप्स या कॉफ़ी पाउडर से गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गार्निश नहीं किया है। और मस्त आप इसको मिक्स करके एंजॉय कीजिए, कॉफ़ी का आनंद लुटाइए। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी, डालगोना कॉफ़ी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कॉफ़ी एंजॉय कीजिए, घर में बनाइए, बहुत ही इजी और आसान तरीके से बनती है। एकदम मशीन वाली कॉफ़ी की जो टेस्ट है वही टेस्ट इसमें आती है, बढ़िया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। Thank you.